मॉनसून में अगर आप भी बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मॉनसून में कैसे अपनी बालों का ख्याल रखा जाए। साथ में ही कुछ होम रेमेडी भी शेयर करूँगी जिनसे आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं एवं बालों को स्वस्थ एवं चमकदार बना सकते हैं। जैसा हम सभी को मानसून बहुत पसंद होता है, बारिश आते ही चारों तरफ हरियाली हो जाती है और मन भी बहुत प्रफुल्लित होता है, लेकिन मानसून हमारी बालों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हमारे बाल रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं जिसकी वजह से वो झड़ने लगते हैं। साथ ही मानसून में बालों में रूसी होने की समस्या भी आम है जो ज्यादातर देखी जाती है। तो आइए जान लेते हैं कुछ टिप्स जो हमें इस मॉनसून हमारे बालों का ख्याल रखने में मदद करेंगी। सबसे पहले आपको मॉनसून में जितना हो सके उतना पानी अपने बालों में नहीं जाने देना है। जैसा कि बारिश होती है तो हम सभी को भीगना बहुत पसंद होता है, लेकिन ये हमारे बालों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है क्योंकि बारिश का पानी बहुत ज्यादा एसिडिक होता है जिसकी वजह से हमारे बाल बेजान होते हैं और झड़ने लगते हैं। तो ऐसे में आप ज्यादा बारिश में ना नहाएं। साथ में ही आपको बारिश के मौसम में हेयर ड्रायर या कलरिंग का प्रयोग कम करना है क्योंकि इन सब में बहुत ज्यादा केमिकल होता है और पहले से ही हमारे बाल बेजान और रूखे हैं। ऐसे में अगर हम ये प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो ये हमारे बालों में झड़ने में मदद करेंगी। तो आपको किसी भी हेयर ड्रायर या फिर कलरिंग का प्रयोग मानसून में नहीं करना है, या फिर जितना हो सके आप बचें। अब आपको क्या करना है, मानसून में सबसे ज्यादा आपको ऑयलिंग का ध्यान रखना है। जितना हो सके आप ऑयलिंग कीजिए, गरम गुनगुना तेल कर लीजिए और उसके बाद में आपको बालों में ऑयल करना है। ये कम से कम वीक में एक बार तो करना ही है, हो सके तो आप 2-3 बार भी कर सकते हैं क्योंकि मानसून में पहले ही हमारे बाल रूखे सूखे हो गए हैं। तो ऐसे में अगर आप उनमें अच्छे से तेल मालिश करोगे तो बालों को मजबूती मिलेगी, साथ में ही बालों में चमक भी पड़ेगी। अगली थिंग जो आपको करनी है वो करनी है आपको शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि शैम्पू में भी बहुत ज्यादा केमिकल होता है जो हमारे बालों के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि आजकल मार्केट में केमिकल फ्री भी शैम्पू अवेलेबल है, आप उनको यूज कर सकते हैं या फिर आप मेहंदी का प्रयोग कर सकते हैं। मेहंदी हर्बल होती है, साथ में ये थोड़ी गंदगी को निकाल देती है और हमारे बालों को चमक और सिल्की बना देती है। तो ऐसे में आप मेहंदी की प्रयोग पेस्ट का प्रयोग जरूर करें। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो आपको करना है एलोवेरा जेल का प्रयोग। जैसे कि दो मुही के बाल भी हो जाते हैं बारिश में रूखे हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको एलोवेरा जेल लेना है और उसको अच्छे से मालिश कर लीजिए बालों में और आधा घंटा के लिए आपको छोड़ देना है। फिर इस पेस्ट से आपको अपने बाल अच्छे से धो लीजिए। इसके बाद में आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, शानदार हो जाएंगे। साथ में ही जो बेजान हो गए थे, दो मुड़े बाल हो गए थे, उसकी समस्या से भी आपको निजात मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग हम बात कर लेते हैं मेथी का पेस्ट की। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेथी हमारे बालों के लिए काफी फायदेमंद रहती है। बालों में ऐसा माना जाता है कि अगर आप मेथी का पेस्ट का प्रयोग हफ्ते में एक बार करते हैं तो आपके बाल फिर से उगने लग जाते हैं। तो ऐसे में इस मॉनसून अपने बालों का ध्यान रखें और मेथी के पेस्ट का प्रयोग जरूर करें। आपको मेथी रात को भिंगो के रख देनी है और फिर सुबह उसका पेस्ट लगा बना के बालों में लगा लेना है। मेथी ना सिर्फ आपके बालों को जानदार शानदार बनाएगी बल्कि बारिश के मौसम में जो रूसी की समस्या हो जाती है उससे भी आपको छुटकारा दिलाएगी। तो ऐसे में आप मेथी के पेस्ट का प्रयोग जरूर करें।
में ही इन सब होम रेमेडी के साथ में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना है। वो ध्यान रखना है कि आपको डाइट अच्छी लेनी है, डाइट आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, क्योंकि हमारे बाल बनते हैं प्रोटीन से। तो अगर ऐसे में आप भरपूर मात्रा में प्रोटीन लेती हो तो आपके नए बाल बनने की संभावना बढ़ जाती है, साथ में ही आपके बाल रूखे सूखे और बेजान नहीं होते हैं। और इसके बाद आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। पानी हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, साथ में बालों के लिए भी जरूरी होता है। तो ऐसे में आप भरपूर मात्रा में पानी का प्रयोग भी करें, और ये जो घरेलू टिप्स बताई गई थी इनका भी आप प्रयोग जरूर करें। साथ में ही आपको भाप भी लेनी चाहिए बालों में। भाप प्राचीन काल से ही ली जाती है और भाप हमारे बालों को शानदार बनाती है, चमकदार बनाती है। आपको पहले कंघी से बाल अच्छे से काट लेने हैं, उसके बाद में एक गर्म पानी लेना है और टॉवल को भिंगो लेना है, फिर उसको आपको अपने बालों में अच्छे से बांध लीजिए। इससे आपके बाल एकदम भाप मिल जाएगी तो अच्छे हो जाएंगे और शानदार भी हो जाएंगे, और आपके बाल बहुत जल्दी टूटेंगे नहीं। बालों में भाप का प्रयोग हफ्ते में एक बार तो कम से कम करिए आप। भाप बालों के लिए प्राचीन काल से प्रयोग की जाती है, साथ में ही ये बहुत ज्यादा कारगर भी मानी जाती है। तो ऐसे में आपको भाप का प्रयोग जरूर करना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको गीले बालों को कंघी नहीं करनी है। गीले बालों को कभी भी कंघी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गीले बाल पहले से ही नाजुक होते हैं। ऐसे में अगर आप कंघी करते हैं तो बाल टूटने की समस्या बढ़ सकती है। तो बाल सूख जाए उसके बाद ही आपको कंघी करनी है। लेकिन अगर आपको कहीं जाना है और कंघी करने की जरूरत पड़ रही है तो ऐसे में आपको मोटी कंघी लेनी है और उससे आराम से बालों को काट लेना है, जिसकी वजह से आपके बाल टूटे नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इसमें वीडियो में बताई गई टिप्स को जरूर फॉलो करें, जिससे कि इस मानसून आपके बाल बेजान ना हो और बाल अच्छे रहें आपके। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। साथ में ही वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल